के सतना जिले की कानून व्यवस्था इन दिनों हाशिए पर है, जहां दिन दहाड़े अपराधी अपराध को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला है मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सटे चित्रकूट का, जहां दो लोगों ने सगे जुड़वा भाइयों को कट्टे की नोक पर स्कूल बस से रुकवा कर अपहरण कर लिया। बस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में अपहरण की पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें अपराधियों का पुलिस से बेखौफ हौसला बखूफी देखा जा सकता है। वहीं अपराधियों ने दिन दहाड़े इस दहशतगर्द वारदात को अंजाम दिया है। सतना पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को चंगुल से बच्चों को जल्द छुड़ाने की बात भी कही है। बता दें कि यह घटना है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे एमपी के चित्रकूट की, जो भगवान राम की तपोस्थली है। यहाँ हर समय देश के कोने कोने से तीर्थयात्री एवं दर्शन यात्रियों का तांता लगा रहता है। जरा गौर करें, यह इलाका कितना संवेदनशील है। यहाँ दशकों से दुर्दांत डकैतों की धमक रही है। समय समय पर इनामी दुर्दांत डकैतों का खात्मा होता रहा है। आज की इस वारदात ने किसी बड़े गिरोह का आगाज तो कर दिया है, जिसने दिन दहाड़े एक तेल व्यवसायी के दो जुड़वा बेटों प्रियांश और श्रेयांश का अपहरण कर लिया। दिन दहाड़े इस घटना के होने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों बच्चे एसपीएस स्कूल के हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रोजाना की तरह स्कूल बस में बच्चों को साथ में बैठाकर स्कूल जा रहे थे, तभी अचानक बस रोकी और पिस्तौल लहराते हुए दो नकाबपोश बदमाश बस में चढ़ गए, जिन्होंने कैमरे को भी बंद कर दिया। बच्चों को बस से घसीटकर मोटरसाइकिल से लेकर फरार हो गए। दोनों ही बच्चे ब्रजेश रावत के हैं, जो कि चित्रकूट में एक तेल व्यवसायी हैं। घटना की सूचना लगते ही नयागंज थाना पुलिस ने चौतरफा नाकेबंदी कर दी है, तथा सरगर्मी से अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। अपहरण की वारदात ने न सिर्फ स्कूल सुरक्षा की पोल खोल दी है, बल्कि सतना में पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना है महाराज फुटेज में वीडियो भेज दिया वाला अधिकारी। हां, बस का भी निकल रहा, बस 2 मिनट निकल रहा बस वाला। हाँ, बस अभी स्कैन हो रहा है, फाइनल कागज हो रहे हैं, बस 15 मिनट में पहुंच जाए। भाई यहाँ पे फोटो लेके आ दूंगी कि शायद जूम में आ जाए। आईटी में हूँ, आईटी। ये रास्ता कहाँ का था? कौन सा बोला? बड़ा ताजा घटनाक्रम है, क्या लग रहा है समझ में? अभी ये सूचना इस तरह की प्राप्त हुई है, घटना की पुष्टि की जा रही है। हमने पूरे आसपास के जिलों में और पूरे जिले में घेराबंदी कर दी गई है, और जल्द से जल्द हम बच्चों तक पहुंच जाएंगे। कितने बल लगाए जा रहा है? चूँकि समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया है पूरे जिले में, और आसपास के जिलों को भी इसकी सूचना दी गई है, और अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। घटना कहाँ हुई, कुछ जानकारी हो पाई सर? ये अभी प्रथम दृष्टया नया गांव की घटना बताई जा रही है, तो इसकी पुष्टि की जा रही है। क्या लग रहा है, ये जो चित्रकूट इलाके में जो सक्रिय बदमाश है, उनका ये कारनामा हो सकता है या पारिवारिक कुछ भी ऐसा कुछ समझ में आया क्या? अभी ये इस मामले में कहना थोड़ा मुश्किल है अभी।